नमस्कार दोस्तों, जय मां भारती। एमएस धोनी के आलोचकों से मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि बाज की नजर और महेंद्र सिंह धोनी की परफॉर्मेंस पर कभी संदेह नहीं करते। दोस्तों, क्या क्वालिटी है, क्या फिलॉसफी है जो एक लेजेंड को लेजेंड बनाती है, एक प्रख्यात व्यक्ति को महानता का दर्जा दिलाती है? वो क्या फिलॉसफी है जो महेंद्र सिंह धोनी को लेजेंड बनाती है, उनको बाकी खिलाड़ियों से अलग करती है? वो फिलॉसफी ये है कि जब आपका बुरा समय चल रहा होता है, जब चारों तरफ से आपकी आलोचना हो रही होती है, वो लोग जो कभी आपकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते थे, आज आपकी बुराई कर रहे होते हैं, आप गुस्से में आकर उन लोगों को जवाब नहीं देते, अपने मुंह से नहीं बोलते, बल्कि अपने कर्म से, अपनी परफॉर्मेंस से उनको जवाब देते हैं। आप अपने कर्म को अपना धर्म बना लेते हैं। आजकल क्रिकेट में एग्रेशन की काफी ज्यादा बात होती है और नौजवान खिलाड़ियों में, आजकल के खिलाड़ियों में हमें एग्रेशन देखने को मिलता भी है, लेकिन ये एक्सटर्नल एग्रेशन है जो हमें उनकी जबान से छलकता हुआ दिखता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से नजर आता है। आपने कभी एमएस धोनी को सेंचुरी लगाने के बाद, आखिरी ओवर में 18 रन बनाने के बाद, विनिंग सिक्स लगाने के बाद, स्टंपिंग करने के बाद, महत्वपूर्ण कैच लेने के बाद, कभी हवा में उछल के गालियां देते हुए देखा है? आपने कभी नहीं देखा होगा। क्या आपने कभी एमएस धोनी को विरोधी खिलाड़ियों के साथ तू तू मैं मैं करते हुए, गालियां देते हुए, लड़ते हुए देखा है? आपने कभी उनको ऐसा करते हुए नहीं देखा होगा। तो क्या एमएस धोनी एक एग्रेसिव प्लेयर नहीं है? वो एग्रेसिव प्लेयर हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, उनकी पहली सेंचुरी जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 148 रन बनाए थे। अफरीदी बॉलिंग करने के लिए आते हैं, बॉल डालते हैं, LBW की अपील होती है, मामला काफी क्लोज था, लेकिन अंपायर नॉट आउट देता है। अफरीदी चिढ़ जाते हैं, अगली बॉल पे अफरीदी की कवर के ऊपर से महेंद्र सिंह धोनी चौका मार देते हैं, अफरीदी और ज्यादा चिढ़ जाते हैं और महेंद्र सिंह धोनी को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन चार भद्दी भद्दी गालियां दे देते हैं। महेंद्र सिंह धोनी पलटकर जवाब नहीं देते, बल्कि मुस्कुराते रहते हैं और अपना एग्रेशन कैसे दिखाते हैं? अगली बॉल पर अफरीदी की वो छक्का मारते हैं कवर के ऊपर से। यह होता है असली एग्रेशन, इंटरनल एग्रेशन, कंस्ट्रक्टिव एग्रेशन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही ODI सीरीज का पहला मैच जब इंडिया हारी तो उसमें धोनी की परफॉर्मेंस की काफी ज्यादा आलोचना हुई। मैं सोशल मीडिया पे और टीवी पर क्रिकेट पंडित जो हैं, एनालिस्ट हैं, उनकी जो आलोचना थी धोनी के प्रति, उसे देखकर काफी निराश हुआ, काफी ज्यादा मुझे दुख हुआ। लोग कह रहे थे कि धोनी की वजह से हम लोग मैच हार गए, क्योंकि धोनी बहुत धीरे खेले, अगर वो थोड़ा तेज खेलते तो रोहित शर्मा के ऊपर और आगे आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर इतना दबाव ना होता और शायद हम मैच जीत जाते। और कई लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि उनकी जगह ऋषभ पंत को वर्ल्ड कप में खिलाना चाहिए। यह सब देखकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि हम किस खिलाड़ी की आलोचना कर रहे थे? हम एक ऐसे खिलाड़ी की आलोचना कर रहे थे जिससे ज्यादा सेल्फ अवेयर खिलाड़ी, अपने प्रति जागरूक खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट के इतिहास में नहीं हुआ। महेंद्र सिंह धोनी इतने सेल्फ अवेयर खिलाड़ी हैं कि उन्होंने बिना किसी के बोले, बिना किसी के दबाव बनाए टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। उन्होंने बिना किसी के बोले अपने आप भारतीय टीम की कैप्टेंसी से रिजाइन कर दिया था। और उस समय तो ऐसी बातें भी नहीं हो रही थी कि धोनी परफॉर्म नहीं कर रहे, उनको कैप्टेंसी से हटाया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने आप ही सेल्फ असेसमेंट करते हुए, अपने खुद का विश्लेषण करते हुए कैप्टेंसी छोड़ दी थी। और आपको याद होगा कि उस वक्त हम लोगों को काफी ज्यादा झटका भी लगा था उनके इस फैसले से, लेकिन उन्होंने ये फैसला अपने आप लिया था और ये एक बहुत ही हाईली सेल्फ अवेयर आदमी की क्वालिटी होती है। मैंने अभी कुछ दिन पहले हार्दिक पांड्या की इस कंट्रोवर्सी के ऊपर एक वीडियो बनाया था। मैंने उसमें कहा था कि इसमें हार्दिक पांड्या, केएल राहुल की गलती नहीं है, बल्कि BCCI की गलती है कि उन्होंने इस कल्चर को परवान चढ़ाया, उन्होंने कैप्टन को कोच से ऊपर कर दिया था जब अनिल कुंबले को उन्होंने टीम से निकाला विराट कोहली के कहने पर। इस वीडियो में मेरे को काफी ज्यादा गालियां पड़ी, जो एक्सपेक्टेड भी था, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं विराट कोहली को थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज कर रहा था और मुझे पता था कि विराट कोहली के जो हार्डकोर फैंस हैं वो मेरे को गालियां देंगे। लेकिन एक कमेंट के ऊपर मेरी खास तौर पर नजर गई। कमेंट ये था कि हमें सिर्फ रिजल्ट से मतलब होना चाहिए, अगर लड़के ये सारी हरकतें कर रहे हैं पर हमको रिजल्ट दे रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, इसमें गलत क्या है? तो दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक सोच है, ये सोच कि सिर्फ रिजल्ट पे हमारा ध्यान होना चाहिए, रिजल्ट को किसी भी तरह अचीव करें, किस तरीके से अचीव कर रहे हैं, हमारा तरीका क्या है, उसके कोई मायने नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका चाहे कुछ भी हो, हमें रिजल्ट हर हालत में अचीव करना है। ये बहुत ही खतरनाक सोच है।
ये वही सोच है जिसका नतीजा हमने 2008 में देखा था, जब दुनिया की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था पानी पानी हो गई थी, अपने घुटनों पर आ गई थी, लाखों लोगों की नौकरी गई थी, ना जाने कितने हजारों लोगों ने को अमेरिका में अपने घर से बेघर होना पड़ा था, कितनी कंपनियां दिवालिया हो गई थी। ये इसी सोच का नतीजा था। ये वाली जो फिलॉसफी है कि किसी भी कीमत पर रिजल्ट अचीव करना, किसी भी कीमत पर टारगेट अचीव करना, ये सोच, ये फिलॉसफी कोई नई फिलॉसफी नहीं है, बहुत पुरानी फिलॉसफी है। ये एंशियंट चाइनीज फिलॉसफर हुए थे सुनजू, उनकी जो किताब है द आर्ट ऑफ वॉर, ये उसकी फिलॉसफी है कि किसी भी कीमत पर टारगेट को अचीव करना। आप टारगेट कैसे अचीव करते हैं उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फिलॉसफी द आर्ट ऑफ वॉर की फिलॉसफी वॉल स्ट्रीट फॉलो करता था और उसका नतीजा 2008 में क्या हुआ ये हम सबने देखा। इसलिए 2008 के बाद अमेरिकन कॉरपोरेट में, वॉल स्ट्रीट में, एकेडेमिया में एक शिफ्ट आया है। द आर्ट ऑफ वॉर से अब वो लोग भगवत गीता की तरफ जा रहे हैं। भगवत गीता की जो फिलॉसफी है तो वह आर्ट ऑफ वॉर से बिल्कुल उल्टी है। भगवत गीता की फिलॉसफी कहती है कि टारगेट आप लॉक कर दो, उसके बाद कर्म के ऊपर ध्यान दो, आपका कर्म शुद्ध होना चाहिए, कर्म ही धर्म होना चाहिए, और कर्म अगर धर्म हो गया तो वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म गलत नहीं हो सकता। और यही है महेंद्र सिंह धोनी की भी फिलॉसफी। उनकी फिलॉसफी द आर्ट ऑफ वॉर से मेल नहीं खाती, बल्कि भगवत गीता की फिलॉसफी से मेल खाती है। मैं ये नहीं जानता, ना ही मैं ये कह रहा हूं कि महेंद्र सिंह धोनी ने भगवत गीता पढ़ी होगी और वो जानबूझकर भगवत गीता को फॉलो करते हैं, लेकिन जो उनकी फिलॉसफी हमको नजर आती है उनके खेल से, उनके परफॉर्मेंस से, वो भगवत गीता के काफी नजदीक है, क्योंकि वो चुपचाप अपना कर्म करने में विश्वास रखते हैं, उन्होंने कर्म को अपना धर्म बना रखा है। दूसरी बात हमें ध्यान देनी होगी यहाँ पर, फैमिली वैल्यूज की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। महेंद्र सिंह धोनी की फैमिली वैल्यूज बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को ये वैल्यूज नहीं देते, फैमिली वैल्यूज स्ट्रांग नहीं होती, तो यही होता है जो हार्दिक पांड्या के साथ हुआ। एक बच्चा हार्दिक पांड्या बन जाता है, जबकि दूसरा महेंद्र सिंह धोनी। अब बात करते हैं उस आलोचना की जिसमें लोगों ने कहा कि वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी की जगह ऋषभ पंत को खिलाया जाना चाहिए। तो उन लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, ऑस्ट्रेलिया में हुई टेस्ट सीरीज में क्या आपने ऋषभ पंत की विकेट कीपिंग देखी? अगर बैटिंग को थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दें और खाली विकेट कीपिंग की बात करें, तो विकेट कीपिंग स्किल्स में ऋषभ पंत महेंद्र सिंह धोनी से अभी कोसों दूर हैं। अगर आपका विकेट कीपर वर्ल्ड कप में कमजोर होगा तो आप 2-3 विकेट लेने के चांस तो छोड़ेंगे ही, बल्कि विरोधी टीम को साथ के साथ 30-40 रन फालतू भी देंगे। महेंद्र सिंह धोनी के विकेट कीपिंग स्किल्स, उनका जो रिएक्शन टाइम है स्टंप के पीछे, वो वर्ल्ड में बेस्ट है। और बैटिंग की भी करें तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि महेंद्र सिंह धोनी जैसा फिनिशर भारतीय क्रिकेट तो क्या दुनिया के क्रिकेट में आज की डेट में नहीं है। उन्होंने बार बार ये साबित किया है कि उनसे अच्छा फिनिशर इस दुनिया में नहीं है। ना जाने कितनी बार उन्होंने आखिरी ओवर में 12-18-24 रन बनाकर भारत को नेल बाइटिंग थ्रिलर क्लोज मैचेस जिताए हैं। ऋषभ पंत क्या ऐसी हाई प्रेशर सिचुएशंस में ट्राइड एंड टेस्टेड है? नहीं है। क्या आप ऋषभ पंत के ऊपर इस बात के लिए निर्भर कर सकते हैं कि अगर आखिरी ओवर में 12-18 रन चाहिए होंगे तो वो बना देंगे? आप ये बात नहीं कह सकते। अभी ऋषभ पंत को महेंद्र सिंह धोनी के साथ कंपेयर करना, उनको एडम गिलक्रिस्ट कहना, उनके साथ ही ज्यादती होगी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या ऋषभ पंत वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी के रिप्लेसमेंट हो सकते हैं? प्लीज कमेंट्स में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।